तो दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हैं किसी वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग करने के लिए और उसके अंदर आपको पता चलता है कि उसका गियर बॉक्स खराब है, तो गियर बॉक्स बदलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको भविष्य में कभी धोखा ना मिले। क्योंकि दोस्तों, मुझे दो बार धोखा मिल चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे जैसी मैंने ये गलती किया है वैसे आप लोग गलती ना करें, आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। क्योंकि दोस्तों, मैं इस गियर बॉक्स को फिट कर दिया था, फिट करके दोबारा से खोल करके लाया हूँ, अब दोबारा से मुझे शॉप पर जाकर इसको चेंज करवा के लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर ऐसी क्या मिस्टेक होगी जिसकी से मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है जबकि मैं सैंपल लेकर के खरीदने के लिए गया था, फिर भी इसके अंदर सब कुछ सेम लगने के बावजूद आखिर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से कि ये सेट नहीं हुआ और ये काम नहीं कर रहा ठीक प्रकार से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आप लोग इस प्रकार के धोखे से बच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं उन लोगों को सबसे पहले मेरी यही हिदायत है कि आप जब भी वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स खरीदने के लिए जाते हो तो आप इस पुराने गियर बॉक्स को सैंपल के रूप में तो ले ही जाओ, साथ ही दोस्तों आप अपने साथ में इस तरह से जो पल्सेटर वॉशिंग मशीन के अंदर से निकलता है उसको भी अपने साथ में ले जाओ ताकि आप उसको वहां पर ले जा करके इसको लगा करके देख सको कि आप पूरी तरह से फिट आ रहा है कि नहीं। चाहे आप चौरस सापट वाला गियर बॉक्स लेने जा रहे हैं, चाहे राउंड वाला इस प्रकार का लेने जा रहे हैं, और चाहे मतलब जो गोल टाइप में आते हैं कुछ कट होते हैं उसके अंदर वो वाला लेने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के गियर बॉक्स लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर पुराना तो ले ही जाइए, साथ ही दोस्तों अपने पल्सेटर को भी ले जाइए ताकि आप उसको अच्छे से चेक करके ला सके कि कहीं आपको धोखा ना मिले, कहीं आपको इसको फिट करने के बाद में दोबारा ना खोलना पड़ जाए। दोस्तों, हमसे गियर बॉक्स खरीदने में कोई गलती ना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिखा देता हूं कि आखिर क्या क्या कमी होती है, क्या क्या हमें चेक करना होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना गियर बॉक्स है और ये हम अभी नया लेकर के आए हैं जो कि मैंने इसको फिट कर दिया था, दोबारा से खोल करके लाया हूं क्योंकि उसके अंदर ये चला नहीं। अब क्यों नहीं चला मैं आपको अभी बताऊंगा, और साथ ही दोस्तों हम ये पल्सेटर भी साथ में लेके आए हैं, और अब की बार जब मैं लेने के लिए जाऊँगा गियर बॉक्स को तो इसको भी मैं साथ में लेके जाऊँगा ताकि मुझे दोबारा से ऐसी धोखा ना मिले जो कि इसके साथ में मुझे मिला है। तो क्या इसके अंदर मतलब फ़र्क है दोस्तों जिसकी वजह से कि हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा? तो दोस्तों, इसके अंदर फ़र्क क्या है, देखिए आप अगर जैसे कि जब गियर बॉक्स लेने के लिए जाते हैं तो क्या मिलाते हैं, इस तरह से आप मिलाते हैं देखेंगे भाई पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक ये बराबर है या नहीं, ठीक है, इस तरह से आप मिला लेंगे या इसको आप ऐसे देख लेंगे भाई दोनों मतलब बराबर है कि नहीं, आप ऐसे देखेंगे पूरा बराबर यहाँ ऊपर से मतलब कोई फर्क नहीं है इनके साइजों में, इस तरह से आप इसके डिजाइन वगैरह में आप देखेंगे कहीं से कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर से आप देखेंगे इसके रबड़ वगैरह सब कुछ ठीक है, इसका कट वगैरह, इसका जो सुराग वगैरह है लगाने वाला ये भी सही है, और इसकी जो पुल्ली है दोस्तों पुल्ली भी मतलब पूरी तरह से मतलब बढ़िया है, कहीं से भी मतलब कोई घाट ऊपर नीचे नहीं है जो कि मतलब दिक्कत देगा, और ऊपर अगर इस तरह से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, देख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, पर वहां पे हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारी दिक्कत है जिसकी वजह से दोस्तों हमें इस गियर बॉक्स के साथ में नए वाले के साथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो क्या प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर ये जो सापट है ये मतलब ऐसा वैसे देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये वाला जो कि पतला है ये वाला मोटा है, ठीक है, लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो हमसे ये कहते हैं कि भाई इसकी आप जो तिल्लियां हैं जो इसकी घाट कटे हुए हैं आप इन घाटों को चेक कर लो, इनको गिन लो, और इसके बराबर में अगर ये वाला घाट है सारे के सारे तो इसका मतलब है कि आपका ये जो सापट है मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन दोस्तों, इतने से ही आपका काम नहीं चलता है, कई बार क्या होता है कि इसके अंदर बहुत मामूली सा फर्क होता है, अगर आप देखेंगे इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फर्क आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला आपको पतला नजर आ रहा है और ये वाला मोटा नजर आ रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, हमने इतना ध्यान वहां पर नहीं दिया जिसके कारण से कि जब मैं इसको फिट कर देता हूँ इसके अंदर तो देखिए ये किस तरह से काम करता है, देखिए जैसे मैं इसके अंदर लगा देता हूँ ऐसे, अब देखिए इसको ऐसे घुमाता हूँ तो पूरा ऐसे घूम जाता है, देखिए ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने इसको पकड़ रखा है, ये अंदर घूम नहीं रहा है, देखो ये पूरा पूरा ऐसे घूम जाता है, यानी कि इसके अंदर दांते बिल्कुल ठीक हैं, देखिए इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, इसके देख सकते हैं यहाँ पे दांते इसके बिल्कुल सही हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये इसको जब मैं इसके अंदर लगा देता हूँ तो ये पूरा पूरा ऐसे घूम जाता है, और क्या होता है कि जब इसके ऊपर हम नट कस देते हैं तो एक बार तो ये घूम जाएगा, है जिस तरफ में टाइट होता है उस तरफ में तो मतलब चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जैसे चलेगा तो वैसे इसका नट जो है दोस्तों ऊपर से खुल जाता है। तो दोस्तों, ये दिक्कत इसके साथ में आ रही है, लेकिन बहुत लोग कहेंगे भाई इसका जो घाट है अंदर से जो प्लास्टिक के मतलब जो दांते हैं वो घिसे हुए हो सकते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये वाली जो सापट हम इसके अंदर लगाएंगे तो वो भी फ्री होनी चाहिए। चलिए मैं आपको इसको भी लगा के दिखा देता हूं, तो देखिए इसको मैंने लगा दिया है, तो देखिए अब मैं इसको चाहे इधर से करूं चाहे ऐसे, देखिए बिल्कुल भी ये मतलब इधर उधर नहीं जाता है, देखिए बिल्कुल अटक रहा है यहां पे, देखिए ठीक है,
ये जैसे कि वो घूमता था वैसे नहीं घूम रहा। अब इसको अगर घुमाना है तो इसको पूरा ऐसे करके घुमाना पड़ेगा तब जाके ये घूमेगा, पूरा मशीन ये घूम रहा है। लेकिन उसके साथ में ऐसा नहीं होता था, उसकी सापट ही ऊपर से फ्री हो रही थी। और ऊपर से दोस्तों इसकी जो सापट है थोड़ी सी छोटी भी है नए वाले की, है जिसके कारण से भी मतलब दिक्कत हो सकती है, पर उतनी दिक्कत उससे नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पे हम जो ये देख रहे हैं कि इसके जो दाँतें हैं दोस्तों ये मतलब बिल्कुल सेम टू सेम तो हैं, पर ये नए वाले के दोस्तों बराबर होने के बावजूद भी ये पतले हैं। यानी कि सापट इसकी दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं, बहुत मामूली सा फर्क है पर ये पतला है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों देखने पे हमें पता चलता है। बाकी आप चाहें तो इसको माइक्रोमीटर से वर्नियर से भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी तिल्ली गिन करके नहीं, साइज देख करके नहीं, बाकी साइज तो आप मिला ही लीजिए। इस तरह से देखिए थोड़ा सा छोटा भी है, यहाँ तक सटना चाहिए इसके ऊपर तक, है यहाँ भी फर्क है। बाकी दोस्तों इसकी जो सापट है वो थोड़ी सी मतलब पतली है, जिसके कारण दोस्तों इसके अंदर पूरी तरह से फिट नहीं आ रही, जो कि दोस्तों ये चलने में पल्सेटर मतलब फ्री हो रहा है। ऐसे में दोस्तों कई लोगों को लगे कि भाई पल्सेटर हमारा खराब हो गया, पर पल्सेटर दोस्तों खराब नहीं होता है। कई बार दोस्तों इसकी जो सापट है वो इस तरह से अगर पतली आ जाएगी तो इसके अंदर मतलब फिट नहीं होगा, जो कि ये फ्री घूमेगा पूरा पूरा। तो ऐसे में आपको दोबारा से इसको खोल करके ले जाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी खोल के लाया हूँ। दोबारा से मैं दुकान के ऊपर ले जाऊंगा और वहां पर इसको बदलवा करके लाऊंगा, और इसमें साथ में दोस्तों इसको तो ले ही जाऊंगा, अब हम हमेशा दोस्तों इसको भी लेकर के जाएंगे, अपने पल्सेटर को भी साथ में लेके जाएंगे, ताकि हम वहां पर अच्छे से इसको फिट करके ला सकें, ताकि दोस्तों दोबारा से मुझे इस तरह से परेशान ना होना पड़े। दो बार तो मैं हो चुका हूँ अब जिंदगी में, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखें, हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे व्यूअर हैं, तो आप लोगों से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को भी परेशान होना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आगे से कभी भी जाते हैं वॉशिंग मशीन का गेयर बॉक्स लेने के लिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आप पुराने वाले गेयर बॉक्स के साथ साथ पल्सेटर भी इसका लेके जाएं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।